So, आज हम लोगों को बता रहे हैं हैक्स. अच्छा वैसे मैं आप चारों से पूछना चाहूंगी, ये छोटे छोटे जो हैक्स हैं ये आपकी जिंदगी में कितना हेल्प आउट करते हैं? पहले ना टोटके होते थे जो बड़े बुजुर्ग बताते थे, बेटा गिरा ऐसे बांध लोगी तो आंख में आंसू नहीं आएगा. काम आते हैं वैसे. हाँ. ऐसी बात नहीं है. मुझे हाँ. याद है जुबैदा आपा का. हाँ. कि वो जब खाना पक रहा हो तो आप कैंडल जला लें. हाँ. खुशबू वाली खुशबू है वो हमारे अभी भी होता है. बिल्कुल फिर नहीं आती है स्मेल खाने की, प्याज भुनने की, मसाले की. ना मैं हमेशा अब ये करती हूँ. जैसे मैंने अभी पिछले दिनों इंटरनेट पे देखा और उसमें उन्होंने बता रहे थे कि आपके घर में फ्रूट्स आ रहे हैं डेली के रूटीन में आपके घर में आ रहे होते हैं, आप उसके जितने भी छिलके उनको पानी में भिगो दें और उसके बाद उनका पानी जो है वो आप अपने दरख्तों में या पौधों में. तो कल मैं अपनी नन के यहाँ गई थी, मीरा टाइम स्पेंड करने गई अपने फूफो के यहाँ, तो मुझे हिना बाजी बता रही, कह रही है देखो मेरी यहाँ के फूल इतने अच्छे हो गए मेरी ये वाले फूल में. मैं कहा क्या किया हिना जी? कहती है मैंने ना वो इंटरनेट से देख के जितने भी फ्रूट्स के जो मैं वो छिलके थे वो मैं पानी में डालती हूँ और वो पानी फिर मैं. तो ये वाकई वर्क करती है चीजें भाई, मतलब ऐसे बातें नहीं है ये. जैसे अभी मैंने दो तीन दिन पहले देखा आजकल वाटरमेलन का सीजन है तो हम पूरा तरबूज नहीं काट के रख सकते, आधा रख देते हैं और आधा हम स्टोर कर लेते हैं और वो अगले दिन जो है ना उसकी वो फ्रेश इतना नहीं रहता, पानी छोड़ देता. हाँ जी, तो वो मैंने देखा कि आप हाफ वाटरमेलन काट के रख लें और हाफ जो आप रखते हैं उसके ऊपर ना दो लहसुन की वो क्या कहते हैं जवे या तूड़ियाँ, वो एक यहाँ रखें एक यहाँ रखें लहसुन की और उसके ऊपर आप फॉइल पेपर चढ़ा के रख दें. की स्मेल आएगी? नहीं आती ना स्मेल. नहीं आती लहसुन की स्मेल. नहीं आती. एक मिनट किया एक्शन रिप्ले ट्राई. तरबूज आधा, तरबूज आधा क्लिंग फिल्म लगाई पहले उसके ऊपर दो लहसुन की वो जवे रखे जलवे जो भी आई डोंट नो वो रखे उसके ऊपर प्लेन फॉइल पेपर चढ़ा के उसको आप वेजिटेबल बास्केट या फ्रूट बास्केट में फ्रिज में रख दें. हाँ. तो वो आप 4 से 5 दिन वो चला छिले हुए लहसुन मतलब उसका छिलका हटा जी छिलका हटा के इतना मोटा जो लहसुन दो लहसुन की मुझे लग रहा है फौरन आएगी क्योंकि छुरी में जरा सी होती है लहसुन की हाथ में. आई थिंक वो तरबूज की वजह से शायद नहीं आती. नहीं क्योंकि मैंने ट्राई करके मुझे हाथ में आने लगी. अच्छा मैंने भी यही सोचा कि आएगी लेकिन नहीं आई. वेरी गुड वेरी गुड.